जय हिंद। मैं रवि मिश्रा। आज जीव विज्ञान से संबंधित एनिमल किंगडम, जंतु जगत के एक संघ टीनोफोरा को लेकर के आया हूँ। बता दें इसके बारे में कि ये पहले टीनोफोरा संघ यूपी बोर्ड के सेलेबस में नहीं था, लेकिन सेलेबस बदलने के कारण नया संघ टीनोफोरा जुड़ा हुआ है। इसे हम नाइडेरिया के अंतर्गत ही पढ़ते थे, लेकिन अब अलग संघ हो गया है तो इसे हम टीनोफोरा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये कि ऐसे जीवों का एक समूह है जो बहुत ही चमकीले होते हैं, अर्थात इनसे शरीर से रोशनी निकलती है और इन्हें काम्ब एनिमल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनके शरीर पर धारियाँ होती हैं जो कंघी जैसी होती है। चलते हैं। सबसे पहले यह जंतुओं का वह समूह है जो मैरीन होते हैं। मैरीन का मतलब समुद्री होते हैं। ये प्रायः इस संघ के सभी जंतु क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में ये नहीं होते हैं, अर्थात इनको तालाब, नदियों, झीलों में आप नहीं पाएंगे, केवल समुद्रों में ही पाएंगे। दूसरा लक्षण इनके, हम ये करैक्टरिस्टिक इनके लिख रहे हैं। दूसरा इनका क्या लक्षण है कि ये सामान्यतः कॉम्ब जेली के नाम से जाने जाते हैं, जेली के नाम से जाने जाते हैं। अगला इनका करैक्टर है कि जैसे सामान्यतः हम अन्य जीवों के बारे में पढ़े हैं कि कैसे इनकी बॉडी की फॉर्मेशन होती है, तो आते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, अर्थात इनके शरीर का निर्माण दो स्तरों से मिलकर के होता है, इक्टोडर्म और आंतरिक लेयर इंडोडर्म। तो ये क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। इसके बाद में ये होते हैं ये एसीलोमेट, अर्थात इनमें सीलोम नहीं पाया जाता है, वास्तविक देहगुहा का इसमें अभाव होता है। देहगुहा आप जानते हैं कि बाहरी इक्टोडर्म और जो मिडगट होती है जिसमें कि भोजन की नली होती है, उन दोनों के बीच खोखला भाग इसमें एसीलोमेट में नहीं होता है। तो ए सीलोमेट हुए। इसके बाद में ये क्या होते हैं? बाईसेक्सुअल होते हैं, बाईसेक्सुअल होते हैं, अर्थात इनमें मेल और फीमेल दोनों एक ही लक्षण एक ही जीव में पाए जाते हैं। अगला है इसमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म के मध्य, इक्टोडर्म इंडोडर्म के मध्य मीसोग्लिया, मीसोग्लिया पाई जाती है, मीसोग्लिया पाई जाती है। अगला देखेंगे इनके लक्षण, ये इनमें नो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अर्थात इनमें कोई जनरेशन में अल्टरनेशन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है, अर्थात इनमें ऐसा नहीं कि इनके शरीर की बॉडी में जब रिप्रोडक्शन पीरियड आएगा तो बॉडी का कोई मॉर्फोलॉजी बदल जाएगा, या फिर सामान्य स्थिति होगी तो मॉर्फोलॉजी में कोई चेंजिंग होगा। एक सामान्य रूप से जिस प्रकार से ये शुरुआत में होते हैं, अंत जीवन के अंतिम समय तक ये उसी प्रकार से बने रहते हैं। अगला है इनका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट वह इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब कि इसमें लार्वा पाई जाती है, लार्वा का विकास होता है, लार्वा के द्वारा इसमें डेवलपमेंट होता है। हाँ, अब इसमें आप सभी देखेंगे कि इस टीनोफोरा संघ के जीवों का उदाहरण, तो टीनोफोरा
के जंतुओं का एक उदाहरण है टीनोप्लेना, एक ये एग्जाम्पल है, वेलेनिया दूसरा एग्जाम्पल है, मेरिटेंसिया तीसरा एग्जाम्पल है, एटीसी इसके साथ और भी कई ऐसे समूह के जीव हैं। अब आपको मैं एक टीनोफोरा संघ के जीव का सदस्य का चित्र बना रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार से इनकी संरचना होती, बड़े ही कोमल सॉफ्ट प्रकार के ये जीव होते हैं। और ये जैसा मैंने बताया कि ये कम्प्लीटली मैरीन होते हैं, जलीय होते हैं, तो यह भी एक इनकी मुख्य विशेषताओं में आता है। आप सभी इस चित्र को बनाइएगा अपने कॉपी में और इसे अच्छे से बना करके तब फिर देखिएगा। एक और लक्षण मैं आपको बता दूं इसमें, एक यहाँ पे कि इनमें जो लोकोमोशन होता है टेंटकिल्स द्वारा होता है और उसमें निमेटोब्लास्ट नहीं पाए जाते। लोकोमोशन बाई सीलिया आर टेंटकिल्स, और उस टेंटकिल्स में क्या होते हैं कि इक्टोडर्म वो निमेटोब्लास्ट नहीं पाए जाते, निमेटो ब्लास्ट नहीं पाया जाता। अब चित्र पे आते हैं, इस प्रकार से इसमें इधर भी एक ऐसे टेंटिकल्स निकली होती है और इन दोनों के साथ साथ इसमें यहाँ पे ऐसे कॉम्ब लगे होते हैं, कॉम्ब प्लेट्स लगी होती हैं। इनके पूरे बॉडी पे इस प्रकार से कॉम्ब प्लेट्स स्थित होते हैं जिससे इनमें चमक उत्पन्न होती है। ये सब इनके कॉम्ब प्लेट्स हैं और इस टेंटिकल्स पे ये सीलिया लगे होते हैं ऐसे ऐसे करके, इस पे भी ऐसे ऐसे हम सीलिया दिखा देंगे। तो एक टीनोफोरा संघ के जीव का आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा इसे, और इसमें आप सभी ये नाम लिख लीजिए इसका, ये है कॉम्ब प्लेट्स और ये दोनों क्या हैं इनके टेंटकिल्स, जिनके द्वारा ये मोशन करता है। तो इस प्रकार से ये जीव आपको समुद्र में अगर ऐसे जीव की किसी की संरचना दिखाई देती है तो ये फाइलम टीनोफोरा का सदस्य होता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये इसके लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए। धन्यवाद।